हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जल्द ही मुंबई म्हाड़ा लॉटरी आने वाली है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को अपडेट किया था पुणे की म्हाड़ा लॉटरी से, सिडको की जो लॉटरी आई थी न्यू मुंबई में उससे, बट आप लोगों में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि मुंबई की लॉटरी कब आएगी, क्योंकि बहुत टाइम से मुंबई की लॉटरी आई नहीं है। जो लास्ट लॉटरी आई थी वो 2019 में आई थी। अब इतने दो तीन साल हो गए, गैप हो गया, और क्योंकि ये पैंडेमिक आ गया तो वो जो लॉटरी आने वाली थी वो रुक गई थी। लेकिन अब ये न्यूज़ आ रही है कि लॉटरी जल्द ही आने वाली है। जिनको मुंबई की लॉटरी के लिए इंतज़ार है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो फ्रेंड्स, जल्द ही ये जो लॉटरी आने वाली है इसी से रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्हाड़ा जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2021 का। और ये कहाँ लॉन्च होगा? ये होगा MMR में, इसका मतलब है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि सेकेंड वेव है तो इसकी वजह से सेमी लॉकडाउन लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। वैसे तो ये जो लॉटरी थी फ्रेंड्स, ये अनाउंस होने वाली थी जून 2021 में, इसका मतलब इसी महीने में ये अनाउंस होने वाली थी, लेकिन सेमी लॉकडाउन की वजह से ये एक्सटेंड हो गई है। और ये कहाँ तक एक्सटेंड हुई है और ये कब आएगी, कब अनाउंसमेंट होगी, मैं आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कीम के अंडर टोटल 7500 यूनिट्स होंगे, 7500 घर होंगे। और ये जहाँ एरिया में आने वाले हैं, आप जगह देख सकते हैं, थाने में, नवी मुंबई में और वाशी में। फ्रेंड्स, मैंने आपको अब तक जो भी अपडेट्स दिए थे पुणे म्हाड़ा लॉटरी को लेके या फिर सिडको की लॉटरी को लेके, तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो लॉटरी थी वो स्पेशली EWS और LIG वालों के लिए थी, मिडिल क्लास और हायर क्लास वालों के लिए ज़्यादा नहीं थी, कुछ कुछ में थी बट मोस्टली EWS और LIG वालों के लिए थी। लेकिन इस बार ये जो मुंबई की लॉटरी आ रही है, इसमें अच्छी बात ये है कि ये MIG और HIG वालों के लिए भी है। तो इसमें सारे कैटेगरी के जो लोग हैं, लोअर EWS और LIG, MIG और HIG, ये सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सेमी लॉकडाउन के वजह से इसका डेट एक्सटेंड हो गया है, और ये अब जो लॉटरी आएगी ये 2021 के दिवाली में आने वाली है। इसका मतलब नवंबर या अक्टूबर के आसपास ये लॉटरी आएगी और तब आप अपने घर के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही ये लॉटरी आती है, इसका कोई फिक्स डेट आता है, मैं आप लोगों को कन्फर्म ज़रूर कर दूँगी। फ्रेंड्स, इस लॉटरी का बहुत दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मुंबई की लॉटरी कब आएगी। तो आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लास्ट लॉटरी आई थी ये जून 2019 में आई थी, और उसमें 217 घर अलॉट किए गए थे अक्रॉस मुंबई। अब उसके बाद जो बीच में लॉटरीज आई है वो पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर के लिए आई थी म्हाड़ा लॉटरी, मैंने आप लोगों को बताया अपने वीडियो में। और फ्रेंड्स, इसका जो डेट था वो 13 अप्रैल का था और इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। मैंने आप लोगों को इस बात से भी अपडेट किया था कि लॉटरी की डेट एक्सटेंड हो गई है, एक महीना आगे हो गई है, और एक्सटेंड करके जून एंड तक टाइम दिया गया है लोगों को फॉर्म भरने का। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ये जो लॉटरी है ये स्पेसिफिकली किन किन जगहों के लिए आई है और यहाँ पर कितने कितने फ्लैट्स जो है लोगों को, टोटल फ्लैट्स हैं जो लोगों को अलॉट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्तक नगर, ये भी थाने में है फ्रेंड्स, ये 60, इसमें टोटल 67 फ्लैट्स होंगे। थाने सिटी, जो टोटल थाने सिटी में जो फ्लैट्स होंगे वो है 821। घनसोली में है 40, मतलब न्यू मुंबई में आता है ये, बाकी के जो प्लेस है न्यू मुंबई के अक्रॉस आते हैं। भांदरली में है 1771, घोटेघर में है 1185, कोहनी में है 2016 और वालिव में है 43। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता होगा कि अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, आप जिस कैटेगरी में लाए करते हैं तो यहाँ पे एक टोटल अमाउंट होता है, उस कैटेगरी में अगर आप लाए करते हैं तो आपका इतना इनकम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि EWS वालों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए 25,000 होना चाहिए इनकम। मिडिल इनकम ग्रुप MIG वालों के लिए 50,000 से लेकर 75,000 होना चाहिए इनकम। LIG वालों के लिए, लोअर इनकम ग्रुप वालों के लिए 25,000 से 50,000, और हायर इनकम ग्रुप वालों के लिए, इसका मतलब है HIG वालों के लिए 75,000 एंड अबव होगा तो चलेगा।
सो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मुंबई महाड़ा लॉटरी को लेके। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि कब आएगा, तो फाइनली मैंने आप लोगों को अपकमिंग लॉटरी के बारे में बताया। अब इसका जो भी फिक्स डेट है अनाउंस होगा, मैं आप लोगों को ऑब्वियसली अपडेट कर दूंगी, और इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। बट इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। Thank you for watching.